नमस्कार, मैं हूँ महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान की नागौर से एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब के नशे में दरिंदे ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में डेगाना के पुलिस उप अधीक्षक नंदलाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के पिता ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह कुआं खोदने के लिए गया हुआ था। पीछे से उसकी पत्नी और बच्चे ढाणी पर अकेले थे। उसी समय आरोपी दिनेश जाट उनके घर पर आया था और वह शराब के नशे में था। उसने उसकी पुत्री को बोला कि उसे कुत्ते खाने का डर लग रहा है, इसलिए उसे बाहर तक छोड़ दो। उसके बाद से ही उसकी पुत्री गायब थी। इस पर परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की, तब डानी के पास मृतका का खेत में पड़ा हुआ शव मिला। पूरे मामले को लेकर परिजनों ने आक्रोश जाहिर किया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दस्तयाब किया गया। इसके साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है। वह मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के सामने आने के बाद नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। हाँ, अब बोलो। मैं काम पर गया था, जो वहाँ पर हम आए 5 बजे और हमारी बच्ची को वो जैन बिस्कुट का पोड़ा खिला के और पागल बना के वो ले गए। छोटी बच्ची ही वो दिन की 3 बजे भी ले गए। अभी तो 3 बजे भी बच्ची का खत्म कर दो क्या, वो मतलब ख़त्म कर दी बच्ची को। मतलब शाम को हमको पता पड़िया तो खूब ढूंढी भी ने खूब हमारी, और भाई आदमी मिल गए, वो शराब पी रहा था सतानांग साइड में, तो बीने पहले पकड़ भी ने रखा। और इसके बाद के मायने भी बच्ची का 2 बजे पुलिस खुद पकड़ के मैं ढूंढ के ले आया। बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची की उम्र सीधे 7 साल की। आपका नाम बताइए। दलीप सिंह हमारा नाम। निवासी केरिया मागरा पादुकला। ठीक। श्री दिलीप सिंह जी ने रिपोर्ट दी थी कि मैं शाम को 3 बजे कुआं खोदने के लिए मेरी ढाणी से बाहर गया था। पीछे मेरी पत्नी और बच्चे अकेले ढाणी पे थे। उस वक्त दिनेश पुत्र रामचंद्र जाट हमारी ढाणी पे आया था और शराब पिया हुआ था। उसने मेरी बच्ची को कहा कि मेरे को बाहर तक छोड़ दो, कुत्ते खा जाए। बच्ची उसको छोड़ने आगे आगे गई तो वापसी में हमने काफ़ी इंतज़ार किया, बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। इस इतला पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस की भिन्न भिन्न टीमें बच्ची की तलाश हेतु तुरंत रवाना की गई। खेतों ढाणियों में पड़ोस में आस पड़ोस देखा गया तो बच्ची के घर के पीछे ही थोड़ी दूरी पे खेत की सीव पर बच्ची की मृत अवस्था में डेड बॉडी मिली और उसको ला के मोर्चरी रूम रखवाया गया। प्रथम दृष्टया लगता है कि मामला हत्या और रेप का है। आरोपी प्रथम दृष्टया दिनेश जो बनता था उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे गहन अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश की। नंदलाल, सीओ डेगाना।